बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम राबिया सदफ है और मैं नर्सरी की जी विंग डिविजनल पब्लिक स्कूल की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आज हमारा उर्दू पढ़ाई का दूसरा सबक है। आपको याद है ना, पहले सबक में हमने हर्फ से तक पढ़ाई की थी और उन हरूफ की एक मश्क आपके कायदे के सफा नंबर 11 पर है। तो आइए पहले हम दोहराई कर लेते हैं। ये तो अब आपका टेस्ट होगा, हरूफ को तस्वीरों से मिलाएं। तो चले आए बच्चों मेरे साथ, शुरू करें। बे, बे की आवाज होती है ब, बे ब बिल्ली। से स समर। अलिफ अ अनार। टे ट टमाटर। अलिफ मद अ आम। पे त तितली। पे प पत्ता। शाबाश, आपको तो सब याद है। तो अब हम अपने दूसरे हर्फ खानदान से मिलते हैं और देखते हैं हमारा पहला हर्फ दोस्त कौन सा है। अरे ये तो ज जग है। आ ये तो जीम है और जीम की आवाज होती है ज। बच्चों, जीम ज तो वाकई ही ज जग की तरह का लग रहा है ना। जीम ज, आप इस वक्त कहाँ हैं, हमें भी सैर करवाएं जरा। ये तो हम ज जंगल में आ गए हैं, लेकिन जीम ज नजर नहीं आ रहा। अरे जीम ज तो ज जीप पर जंगल की सैर कर रहा है। जीम ज, जरा ख्याल से, यहाँ पर बहुत ज्यादा ज जानवर भी हैं। आपको आवाजें आ रही है ना, और आपके ऊपर कितना बड़ा ज जाला है। और ये तो कोई ज जादूगर लग रहा है, जो ज जादू से अपनी टोपी में से कोई जानवर निकाल रहा है। अरे ऊपर से ज जहाज से गुजर रहा है। बच्चों और देखें, और आपको जीम ज से क्या नजर आ रहा है। वेरी गुड, जीम ज ने ज जूते पहने हुए हैं। बच्चों अब हम ज जल्दी से अपने दूसरे हर दोस्त के पास चलते हैं। अरे वाह बच्चों, आपने ठीक सोचा, ये तो वही ज जग लग रहा है, लेकिन इसके अंदर तो तीन बर्फ के टुकड़े हैं। इस हर्फ को चे कहते हैं। बच्चों, जीम ज के पेट में एक नुक्ता होता है ना, चे च के पेट में तीन नुक्ते होते हैं। चे च, आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये तो हम इतनी प्यारी जगह पर आ गए हैं। अरे वाह, चे तो बिल्कुल च चौधरी चे लग रहा है, और आकर च चारपाई पर बैठ गया है, और साथ ही च चाचा च चम्मच से च चावल खा रहे हैं, और इतने प्यारे च चीजें भी आ गए हैं। एक दो तीन चार, च चार चूजे हैं। और बच्चों, आसमान पर च चांद कितना च चमक रहा है ना, और दरख्त पर कितनी ज्यादा च चेरी लगी हुई है। अरे चिड़िया भी उड़ती हुई आकर बैठ गई है। ओहो चेचा, हम तो आपको खाने पीने का पूछना भूल ही गए। आए बैठे, आपको चिच चाय और चिच चॉकलेट केक खिलाते हैं। यम्मी यम्मी इन योर टमी। प्यारे बच्चों, अपने इस हर्फ दोस्त से मिले। ये है हे ह। जीम खानदान के सब हरूफ के पास नुक्ते होते हैं, लेकिन सिर्फ हे ह के पास कोई नुक्ता नहीं होता। चलें देखते हैं हे हमें अपनी कहानी कैसे सुनाता है।
अरे हम तो खाने काबा में आ गए हैं बच्चों, आपको पता है ना, यहाँ पर सब मुसलमान हज के लिए आते हैं, और जो भी मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहते हैं। और ये तो देखें, ये तो बिल्कुल हाजी है लग रहा है। आइए देखते हैं हाजी है हमें और कहाँ लेकर जा रहा है। हे हर तो हमें अपनी हर हवेली में ले आया है, और मेज पर हर हुक्का और मीठा मीठा हर हलवा भी पड़ा है। और ये बच्ची कौन है? ये तो हर हिरा हर हौज में तैर रही है। हे हर, क्या आपको बहुत गर्मी लग रही है? अरे ये तो हौज में चला गया। चलें हम भी अपने आखिरी हर दोस्त के पास चलते हैं। बच्चों, इस हर दोस्त का नाम है खे। आपने देखा था ना कि जीम और छे के तो पेट में नुक्ते होते हैं, लेकिन खे ख के सर पर एक नुक्ता होता है। जी बिल्कुल वैसे ही जैसे अलिफ के सर पर ताज था। खामोश बच्चों, यहाँ पर तो खालिद खर्राटे लेकर सो रहा है, और देखिए मुस्कुरा भी रहा है जैसे कोई मजे का ख्वाब देख रहा हो। और शेख, आप तो बिल्कुल जासूस की तरह लग रहे हैं, ऐसे जैसे खालिद के ख्वाब की जासूसी करने आए हो। अरे वाह, ये तो हम शेख के साथ बादशाह के महल में आ गए हैं। यहाँ पर बादशाह का खादिम भी है, और इधर बहुत से खत भी पड़े हैं, और बादशाह के सामने इतने मजे के फल रखे हैं, खरबूजा खुरबानी। खिड़की में तो देखें खरगोश कितना खुश होकर खजाना देख रहा है। बहुत खूब प्यारे बच्चों, आपने देखा जीन के खानदान ने हमें कितनी अच्छी कहानियां सुनाई हैं। आप सब ने इन हरूफ से और अल्फाज बनाने की कोशिश करनी है। हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।